जो कहता है ना कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मेरी नज़र में वो झूठ कहता है, क्योंकि डर मुझे लगता है कि इंसान के साथ पैदा होता है। कुछ है बहुत अरसे बाद चंद एक दफा ही ऐसा हुआ है, नाम के अलावा किसी किरदार से लोगों ने मुझे पहचाना है, तो वो शम्स का किरदार था। चीज से ज्यादा खौफ आता था? मैं तो डरपोक आदमी, मुझे तो हर चीज से, मतलब मैं आने वाले वक्त से भी डर लगता है। आज मैं साया के ही सेट पर मौजूद हूँ और आप गेस कर सकते हैं कि इस वक्त मेरे साथ कौन मौजूद है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सलीम मिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ गपशप करेंगे, ड्रामे के हवाले से पूछेंगे कि सर ये रोल आपको कैसा लग रहा है जो साया में आप कर रहे हैं, और कैसे ये जो स्क्रिप्ट है ये आप तक पहुँचा। साया 2 बनने की वजह यही है कि जो साया 1 था या साया था तो वो हिट हुआ था, पब्लिक ने पसंद किया था, इसी वजह से साया 2 बन रहा है। और मेरा जो कैरेक्टर साया 1 में था शम्स का, और वही साया 2 में है। नॉर्मली आजकल के ज़माने में ऐसा कम ही होता है, बहुत अरसे बाद, बल्कि शायद चंद एक दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि मेरे नाम के अलावा, सलीम मेराज के अलावा किसी किरदार से लोगों ने मुझे पहचाना है, तो वो शम्स का किरदार था। तो फिर कोई वजह नहीं रह जाती कि अगर साया 2 बन रहा है तो मैं उसका हिस्सा ना हूँ। क्या डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि स्टोरी जो थी वो पहले बहुत डिफरेंट एंगल्स पे जा रही थी, अब डिफरेंट एंगल्स पर हम सीजन 2 देख रहे हैं, तो कुछ आपको भी डायमेंशंस नज़र आए इस कैरेक्टर में? डायमेंशन बहुत ज़्यादा नज़र आई है मेरे कैरेक्टर में, तो इतनी ज़्यादा डायमेंशन नहीं होंगी क्योंकि वैसे ही उसमें बहुत सारे शेड्स थे, लेकिन वो जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की थी साया 1 में, जो लोगों ने पसंद की थी, उसको हम लोगों ने लार्ज कर दिया है, थोड़ा उसकी डायमेंशन हमने बढ़ा दी है, उसकी फील हमने बढ़ा दी है। अगर उसमें अगर हॉरर का इम्पैक्ट या चीज़ें आपको 3% 4% या 5% नज़र आ रही थी, इसमें आपको 100% नज़र आएंगी। बहैसियत एक्टर मैं आपसे ये पूछूंगी कि हॉरर जो है उसको एक्ट करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको ऑडियंस को यकीन दिलवाना होता है कि आप डर भी रहे हैं, आप वो सारे एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स जो है वो ऑडियंस तक डिलीवर कर रहे होते हैं, एज एन एक्टर ये कितना मुश्किल है? एज सच को इतनी एफर्ट मारने की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल परफॉर्मेंस होती है, थोड़ा सा आपको रुक के चलना पड़ता है। जैसे आप मेरी अदाकारी का जो तरीक़ेकार है, कोशिश करता हूँ कि मैं नेचुरल हो, जैसे मैं अभी आपसे बात करूँ, लेकिन बाज़ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि आपको उसमें थोड़े से पॉजेस, थोड़े से स्ट्रेसेस, उसको अलग करना पड़ता है। ये जो कैरेक्टर था इसमें आपको क्या ऐसा लगा कि आपने सोचा कि मुझे करना चाहिए? इस कैरेक्टर में मैंने बिल्कुल नहीं करना था ये कैरेक्टर, जब साया 1 बन रहा था। अच्छा। तो इसमें मेरा नाम कास्टिंग में था और मेरे दो और कुलीग्स, मेरे दोस्तों का नाम था, और मैं चाह रहा था कि वो ये रोल वो करें, तो लेकिन खुर्रम से मेरी बेतहाशा भाइयों वाली मोहब्बत है, और उसने आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब लड़के जतन करके उसने कहा था कि मैं ये ड्रामा करूं। हम लोग इफेक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, चाहे फाइनेंस कहें या कुछ भी कहें, तो हमें वो खुद क्रिएट करनी पड़ती है। अब हम लोग अप्रिसिएशन ले लेते हैं, जॉनरा कोई भी हो आप अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। तो इसका जब कर्टन खुला था या पहला टीज़र आया, तो लोगों का सीन ये, हर आदमी ने मुझे कहा यार ये लुक बहुत अच्छी है, यार ये लुक बहुत अच्छी, इट फील्स वेरी नेचुरल। और हम लोग अप्रिसिएशन ले लेते हैं, डायरेक्टर, डीपी, राइटर, एक्टर सब ले लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हमारा जो ENG स्टाफ है, हमारे जो बॉयज़ हैं, उनका होता है। अभी मैं और आप अगर यहाँ पे साया 2 का सीन कर रहे हैं ना, तो अगर ये लैंप ने उठना है या ये टेबल ने उल्टा होना है या दरवाजे ने बजना है या इन कर्टन ने हवा में उड़ना है, ये सब हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। बच्चे जितने भी हमारे ENG के एसोसिएट असिस्टेंट होते हैं, ये इनकी मेहनत का अमल दखल होता है। और जो साया 1 में मैंने इन बच्चों की मेहनत देखी है, मैं इनको सद के दिल से सलाम करता हूँ, और इस वाले प्रोजेक्ट में भी मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इस सीज़न में कोई ऐसा ख़ास सीन जो आपको करने में मज़ा आया या आपको लगा कि हाँ यहाँ मुझे फ़ील आई है कि मतलब जो हम कर रहे हैं वो वाकई हो भी रहा है कभी? अच्छा, फील से ज़्यादा ना मुझे मैं थोड़ा सा, अच्छा, डरते बढ़ते हैं मैं डरता हूँ। अच्छा। क्योंकि रात को 3 बजे अगर मैं कब्रिस्तान में सीन कर रहा हूँ, तो एज मुसलमान या इंसान आपको मुझे लगता है डर। और हम लोग हंसी मजाक में ड्रामेटाइज करते हुए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि हमारे मज़हब में तो है ना कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हमने उनको मानना भी है, तो ये डर होता है कि, तो मैं तो तौबा और सब कुछ के दुआ पढ़ के काम करता हूँ, क्योंकि हम उसको मिमिक कर रहे हैं या एक्ट आउट कर रहे हैं, तो वो मुझे डर लगता है। तो बचपन में कभी डर लगता था? किस चीज़ से ज़्यादा खौफ आता था? मैं तो डरपोक आदमी, मुझे तो हर चीज़ से, मतलब मैं आने वाले वक्त से भी डर लगता है, मतलब
अल्लाह से तौबा करके। अच्छा चलिए, अगर आपको कहा जाए कि भाई आपको डराना है तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप डर जाएंगे? मुश्किल सवाल है लेकिन सोच के बताओ। किसी भी चीज़ से, मतलब अभी अगर अल्लाह ना करे कोई पीछे से ब्लास्ट की आवाज़ आ जाए तो आदमी डर जाए। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये आज पता चला है कि सलीम महराज साहब जो है वो काफ़ी डर जाने वाली शख्सियत जो कहता है ना कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मेरी नज़र में वो झूठ कहता है। क्योंकि डर मुझे लगता है कि इंसान के साथ पैदा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कॉकरोच से बहुत डरते हैं, मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे गंदगी नहीं आती, तो ऐसे मुझे बासी से डर लग जाएगा, बासी नहीं लगेगा। तो इंसान की फितरत और नेचर के जितना फील करेंगे उतना आपको ज्यादा महसूस होगा। अब मशाल खान हमें नजर आ रही है लीडिंग रोल में, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मशाल के साथ मेरा मैंने उसको टीवी पे देखा था। हाँ, मैं बिल्कुल इसको एडमिट करूंगा इस बात को। उस लड़की को एक्टिंग में बोलना आता है, उसका दिल कर रहा है बोलने को, मुश्किल सीन उसको, अब जैसे एक सीन था वो हवा में हल्ला कोई है, तो वो उसने इतनी खूबसूरती से वो सीन किया, इतना अच्छा किया। फिर एक और अनाया लड़की है उसके साथ मैंने सीन किया, उसने इतने अच्छे खूबसूरत मेहनती सीन किया। क्योंकि इस ड्रामे में आपको वो नहीं होगा ना कि खाना खा लें चाय पी लें, इसमें आपको ऑफ बीट ही काम करना है और अपने आप को प्रूव करके दिखाना, जैसे महामामिर ने किया था पिछले वाले में, इसमें भी हैं वो बहुत बहुत ही वो स्क्रीन पे आती हैं तो लगता है कि कोई खूबसूरत सी रूह आ गई है। तो ये सारे बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं सब। मैंने आपसे पूछा भी था कि अब कोई ऐसी चीज़ जो आप कहें कि भाई मुझे करनी है, कोई ऐसा रोल जो जहन में हो कि ये रह गया है या मैं ये करना चाहता हूँ? नहीं, मेरे जहन में कभी भी पहले दिन से लेके कभी भी मेरे जहन में ये नहीं आया कि मैं ये रोल करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप मेरा भी कॉन्टेंट उठा के देखेंगे, मैंने जितना भी इस अरसे में काम किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक चीज़ को गिरा से बांध दिया था कि मुझे आप कोई भी रोल ऑफ़र कर दें, उसकी लेंथ का प्रॉब्लम मुझे नहीं है कि वो प्ले में कितनी देर है या फिल्म में कितनी देर है, कितने सीन है मेरे, किसके साथ सीन है, हीरो के साथ सीन, मेरा साथ ये मसला नहीं। मुझे सिर्फ ये होता है कि उसकी स्टैंडिंग क्या है, उस किरदार की, उस कैरेक्टर की, उस प्रोजेक्ट के अंदर स्टैंडिंग क्या है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे किरदार छोटे होते हैं पब्लिक के लिए, यार बहुत कम था लेकिन मैं मुतमईन हूँ। हाँ, घबराना नहीं है। मैं फिल्म देख रहा था, मैंने 10-12 दिन शूटिंग की थी उसकी। अब लेकिन वो जो आपके पाप चीन लेकिन वो जो लाइन थी वो रह गई, स्टे कर गई। वो हाफ टाइम के बाद जब मैं आया तो मुझे लगा कि अब ये, और मुझे शायद मुझे लगा या पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ पे जरा सी फिल्म ने करवट बदली थी, पब्लिक जरा सा पावरफुल हुई थी, मजा आया था। वो बस यही बैठे हुए थे सिनेमा में, तो बस यही अचीवमेंट आला कि मैं बोल रहा हूँ यार हाफ टाइम हो गया अभी तक क्यों नहीं आया, ज्यादा काम था मेरा। लेकिन वो एकदम से आया और लोगों को हिट किया और मुझे मजा आया था। ओके, बस मेरा यही मोटिव होता है। जैसे थैंक यू सो मच सलीम महराज साहब, बहुत शुक्रिया, और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। डायरेक्टर साहब भी जो है वो सेट पर आ गए और मुझे जो है वो पीछे से बार बार इशारा मिल रहा है कि बस अब दूसरे एक्टर से भी जो है वो बातें करनी है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। यहाँ पे सब लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से टाइम निकल पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको मज़ीद कास्ट से भी बुलवाऊँ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।